once again. तो दोस्तों आ गए हैं एक और नए इंडिकेटर स्ट्रेटेजी नए वीडियो के साथ में। अब यहाँ पे ये भी इंडिकेटर जो है आपको बाय एंड सेलिंग सिग्नल देता है और मैं यही चाहता हूँ कि आप बाय और सेल करो और प्रॉफिट करती रहो, तो इसके लिए आपको ना पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अब अगर आप जो है एक मिनट देखकर वीडियो निकल जाओगे तो आपको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आने वाला है, इतना तो मैं जानता हूँ। इसलिए मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ में पूरा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, आप वहाँ पे जाकर इसका फुल वीडियो जरूर देखिए। अगर आप वन मिनट में देख रहे हैं शॉर्ट में और फिर वीडियो तो मैं आपको बना ही रहा हूँ, आप तो देखना ही है आपको। तो यहाँ पे ये जो है बाय एंड सेलिंग सिग्नल देता है। अभी तीनों इंडिकेटर को मैंने लाया हुआ है, ये है MACD जो कि आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसमें मैंने चेंजेस किया हुआ है। इसके इनपुट सेक्शन में जा करके इसका जो फास्ट वाला जो लेंथ है उसे आप 18 कर लीजिए और स्लो लेंथ है उसे 144 कर लीजिए, ठीक है। अब स्टाइल सेक्शन में आइए, यहाँ पे ना ये दोनों को आप ऑफ कर दो क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जो सेकंड इंडिकेटर है अपना जो कि इंपॉर्टेंट है वो है ट्रेंड मैजिक। जब आप ये वाला जो इंडिकेटर है फर्स्ट में आ रहा है इसे आप रख लीजिए, ठीक है। इसमें मैंने कुछ चेंजेस किए हुए हैं, आप इसे देख लेना क्योंकि हो सकता है आपको जो है सही इन्फॉर्मेशन ना मिले। जैसे कि यहाँ पर ये सभी सेम टू सेम है, ठीक है, इसमें मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया, लेकिन यहाँ पर मैं करने वाला हूँ चेंजेस क्योंकि यहाँ पर जो ब्लू कलर है उसे अपन करेंगे ग्रीन कलर, ताकि आपको ना समझ आ जाए। ग्रीन मतलब हम समझते हैं कि बाय, ओके इसे रख लीजिए। और उसके बाद में सेकेंड वाला है HMA, मतलब सीधा सर्च कीजिए इंडिकेटर सेक्शन में जाके, HMA सर्च करोगे तो मिल जाएगा। और यहाँ पास इनपुट सेक्शन में आने के बाद में इसे मैंने 200 कर दी इसके लेंथ को। यहाँ पे स्टाइल में आइए, इसे अभी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, थोड़ा इसका हम थोड़ा ज़्यादा बोल्ड कर देते हैं और कलर को अपन ना येलो डाल देते हैं, येलो अच्छा लगता है यार, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये भी मार्केट आपको बाय एंड सेलिंग सिग्नल देता है। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो, 3-4 दिन के लिए ट्रेड कर रहे हो, तो आप इस इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हो, इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हो। इसमें आपका प्रॉफिट होगा ही होगा, लिख के ले लो भाई, मतलब होगा आपका प्रॉफिट। यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं मार्केट में, ये ज़्यादा दिन का नहीं है, निफ्टी का ही है, अभी ऑन होने वाला है कुछ ही टाइम में। यहाँ पे मार्केट में इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये तो इंटरडे के लिए था। यहाँ के पे आपको रेड लाइन देखने को मिल रहा है, रेड लाइन सिंपल दिख रहा होगा। और यहाँ पर जब 200 HMA के नीचे आया मार्केट, और उसी के साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं MACD का हिस्टोग्राम भी आपको जो है रेड लाइन सिग्नल शो कर रहा है, तो यहाँ पे आप मार्केट में इस जोन के बाद में अगले कैंडल में एंट्री ले सकते थे। और उसके बाद में अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आपको काफ़ी बढ़िया फ़ायदा होता है यार, मैं तो बता ही रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में भी जाते हैं तो हमको थोड़ा और क्लियर होते जाएगा, आप मार्केट में देख सकते हैं। थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम बेटर है। एग्जाम्पल के लिए मार्केट में यहाँ पे एक ब्रेक तोड़ा था, ये तो प्राइस एक्शन की बात हो गई, यहाँ पे उसके पहले ही 200 HMA के नीचे आ चुका था मार्केट और यहाँ पे हमें रेड लाइन देखने को मिल जा रहा है। और उसके बाद में हमें इस कैंडल में मार्केट जो है डाउन ट्रेंड शो कर रहा है, ये वाला जो है सेकेंड वाला, हम पहला वाला को नहीं मानते, सेकेंड वाले में हम जाएंगे भाई। सेकेंड वाले में हमें जो है रेड लाइन दिखाई दे रहा है, मतलब हिस्टोग्राम में हमें शो कर रहा है। इसके बाद में आप यहाँ पर सेलिंग कर सकते थे और ये सभी में वर्क करता है। चलिए हम चले जाते हैं टाटा मोटर्स में, टाटा की बात करें क्योंकि अच्छा लगता है, टाटा हमारी जान है एक्चुअल में। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रेड लाइन शो हो रहा है, HMA के नीचे आया, उसके बाद में हमें MACD में जो हिस्टोग्राम में हमें रेड सिग्नल मिल रहा है, मतलब रेड लाइन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप सेलिंग कर सकते थे इसमें इंट्राडे के लिए भाई, अब तुरंत आप मार्केट में एंट्री नहीं लेना चाहते क्योंकि अब नहीं तुरंत नहीं आया, 10-10 हो रहा है, यहाँ पे 10-15 चले जाते हैं, उसके बाद में मार्केट में एंट्री बिल्कुल ले सकते थे। और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। अब कल की बात कर लें, मार्केट थोड़ा साइडवेज घुमा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं एक टाइम के बाद में एक ही जोन में घूमता रहा, लेकिन ये जो था HMA के नीचे था, तो आपको यहाँ पर सेलिंग में जाना था ना कि बाइंग में जाना था, ठीक है, इस जोन तक तो बिल्कुल ही, इसके बाद आप बाय में जा सकते थे। यहाँ पे देख सकते आपको रेड है, ग्रीन कलर का जो लाइन है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें उतना खास प्रॉफिट नहीं होता क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट क्लोजिंग टाइम में था, तो यहाँ पे हमें एंट्री तो नहीं लेना था। और ही चले जाते हैं अभी जो लाइव होगा उसमें चले जाते हैं, हम चले जाते हैं EURUSD में। EURUSD की बात करें तो मार्केट में काफ़ी, इसके लिए थोड़ा टाइम फ्रेम बढ़ाना पड़ेगा, 5 मिनट टाइम फ्रेम नॉट द बेटर भाई, बहुत ख़राब है, लॉसेस दे देगा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जोन के बाद में एच एम ए में हमें जो है डाउन ट्रेंड में देखने को मिला, उसके पहले यहाँ पर रेड लाइन ही सेम टाइम में देखने को मिला, लेकिन हमारा जो एम एस सी डी था वो पहले ही हमें इंडिकेट करा था, लेकिन हमें सभी का वेट करना था ताकि हमें कन्फर्मेशन मिल सके और उसके बाद में मार्केट में एंट्री ले सके। उसके बाद में आप जानते हैं यार मार्केट कंटिन्यू डाउन हुआ है, आप सभी देख सकते हैं अभी भी लाइव चल रहा है मार्केट जो है। अभी तो थोड़ा मार्केट में वॉल्यूम कम है, लोग थोड़ा ज़्यादा वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं मार्केट जो है कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में है। इसका हम थोड़ा और बैक हो जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ग्रीन लाइन है, एच एम ए के ऊपर है, एम एस सी डी भी हमें पॉजिटिव शो कर रहा है, तो इसके बाद में आप मार्केट में एंट्री ले सकते थे। यहाँ पे आपको फॉल सिग्नल देखने को मिला है क्योंकि यहाँ पर रेड लाइन तो देखने को मिला हिस्टोग्राम में, लेकिन ये एच एम ए के ऊपर है तो मार्केट में आप एंट्री ना ही लो तो ज़्यादा बेटर है, आपके प्रॉफिट के लिए बोल रहा भाई, आप प्रो हो तो ले सकते हो या आपके अकॉर्डिंग है, लेकिन आप ना लो तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकता है एक जोन को तोड़ा हुआ है, मैंने पहले लाइन खींचा हुआ था ट्रेड लाइन में, जोन को तोड़ा यहाँ पे इस जोन में तोड़ा इस कैंडल में, ये तो पहले ही शो हो रहा था, और हमें एम एस सी डी में भी हमें सेलिंग सिग्नल देखने को मिला। तो इस तरह से ये जो इंडिकेटर वर्क करता है, आप इसका बैक प्रैक्टिस कब जरूर करो, बैक प्रैक्टिस करने के बाद में आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, ये तो होगा यार। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, थैंक यू।